आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज जांजगीर चांपा पहुंचे और अकलतरा में रोड शो में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी का रोड शो अंबेडकर चौक से आजाद चौक होते हुए शास्त्री चौक में संपन्न हुआ। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रैली को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर शिक्षा और स्वास्थ्य इसी मॉडल पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा काम किया जा रहा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार को जुमले की सरकार कहा। हम लोगों ने अस्पताल बनाए, इन लोगों ने अस्पताल इनसे नहीं बनते, दोनों पार्टी वालों से अस्पताल नहीं बनते। इन्होंने क्या किया, सतेंद्र जैन जो हमारा हेल्थ मिनिस्टर था उसको जेल में डाल दिया। बोले हमसे तो अस्पताल बनते नहीं, केजरीवाल के अस्पताल रोको। मनीष सिसोदिया ने स्कूल बनाए, गरीबों के बच्चे आज दिल्ली में, गरीबों के रिक्शे वाले के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो, तो इसलिए मैं कहने आया हूं, जुमले पे जुमला सुनाया जा रहा है। आजकल वो भी आएंगे, बड़े बड़े जुमले सुनाएंगे आपको, उनके जुमलों में मत आना। इससे पहले भी 15 लाख वाला जुमला था, पहुंच गया 15 लाख हर घर में। इतना झूठ, इतना झूठ। मैंने पार्लियामेंट में बोला था कि 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है कि चाय बनानी आती है। आम आदमी पार्टी के शक्ति प्रदर्शन में न केवल आप कार्यकर्ता शामिल हुए बल्कि बड़ी संख्या में आमजन भी मौजूद रहे।